ग्राम लखापुर के 700 रकबा है, 700 बीघा, और उसमें कम से कम 300 बीघा नदी में चला गया है। उसमें कम से कम 10 बीघा जमीन हम लोगों का गया है, हमारा खाली। नदी का पानी चढ़ जाता है गांव की तरफ, उससे जमीन चला गया, उससे खाने पीने में दिक्कत लोग के होता है, सब आश्रित है खेती पर, नौकरी सर्विस है नहीं किसी को। नदी से जमीन का क्या नुकसान हुआ है? जमीन तो नदी में कट के चला गया, कम से कम 300 बीघा, 200 बीघा कम से कम नदी से पानी से डूब जाता है। आपका अपना जमीन नदी में जाने से अभी आपको क्या क्या दिक्कत हो रहा है? खाने पीने में दिक्कत होता है, ना तो हम बच्चा को पढ़ा पाते हैं, ना तो उसको कपड़ा दे पाते हैं, हर एक तरह का समस्या है। इस समस्या से कितने लोग परेशान हैं? इस समस्या से लखापुर के आधा ग्रामीण कम से कम परेशान है। नदी से बालू कौन उठाता है? ठेकेदार उठा रहा है बालू, ग्रामीण के तो गाँव जब लगता है तो एक आध ट्रैक्टर लाता है, नदी से कोई फायदा नहीं है, और जिसका जमीन कटा है उसको ठेकेदार कुछ नहीं देता है। इस विषय में हम लोग मंत्री को बोलबे किए, वीडियो साहब आके देखबे किए, हम लोगों को आश्वासन गांव वाला के दिए, हम लोग उसी पर स्थिर बैठे हुए हैं। तो फिर आगे आपका क्या प्लान है? हम लोगों का प्लान है कि सरकार उसमें बांध बांध दे, सबसे बड़का प्लान यही है, और 3 किलोमीटर बांध बंधा बांध दे, और उसके बाद हम लोग उसमें अपना कोल कमा करके खेती करेंगे। मैं चाहता हूँ कि फूल नदी के बाढ़ आने से जो लखापुर गांव के किसानों का जमीन हर साल नदी में कट के जाता है, उस नदी में बांध बनाया जाए। इसके लिए वीडियो देखने वाले मेरे सारे साथियों से अपील है कि जमुई का DM कौशल किशोर का मोबाइल नंबर 9473191404 पर कॉल कर दबाव बनाएं और क्यूल नदी में बांध बनवाने में हमारा मदद करें। मैं अशोक पासवान, जिला जमुई, बिहार से, IndiaUnheard के लिए।